पलवल विधायक दीपक मंगला ने आज पलवल के नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर लोगों को एक सौगात देने का कार्य किया है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान पलवल जिले में ऑक्सीजन की भारी कमी रही थी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया था कि पलवल जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पलवल व होडल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की गई। पलवल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, जिसमें एक मिनट के अंदर 500 लीटर ऑक्सीजन बनकर तैयार की जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए अलग से एक टैंक बनाया गया है। अस्पताल के सभी बेडों पर सीधे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन से जोड़ दिए गए हैं। पलवल में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने पीएम केयर फंड और पीडब्ल्यूडी विभाग व नेशनल हाईवे विभाग का आभार प्रकट किया, जिनके सहयोग से यह ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पलवल जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। पहला ऑक्सीजन प्लांट पलवल के नागरिक अस्पताल में लगाया गया है, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने की है। मशीनों के माध्यम से वातावरण में मौजूद शुद्ध वायु को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है और इसको एक अलग टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अस्पताल के परिसर में अलग से जो टैंक बनाया गया है, उसमें 450 टन ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, ताकि इमरजेंसी के दौरान ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। सिविल सर्जन ने बताया कि पलवल नागरिक अस्पताल में 100 बेड हैं और सभी बेडों तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी गई है। इसके अलावा होडल के नागरिक अस्पताल में 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाने का प्लांट तैयार किया जा रहा है। में जब सेकंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत रही थी, उसको देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए भी थे और हमने अपनी तरफ से यह भी आग्रह किया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना रहे। तो हमारे पलवल के लिए, होडल के लिए ऑक्सीजन प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आज यहाँ पर जो ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट हमारा जो है चालू यहाँ पर हो गया है और इससे ये एक मिनट के अंदर 500 लीटर ऑक्सीजन बनाएगा फ्रेश एयर से और यहाँ पर 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोर की भी व्यवस्था है और हमारे अस्पताल के जितने भी बेड हैं सब सीधे पाइपलाइन से ऑक्सीजन से जोड़ दिए गए हैं और अब इससे हमारे इस पलवल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के किसी भी हमारे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसमें हमारे पीएम केयर्स की तरफ से भी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी और नेशनल हाईवे वालों की तरफ से भी तीनों की तरफ से इसके सहयोग से ये बहुत ही युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू होकर के यह शुरुआत हुई है। ये हमारे पलवल के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ और मैं डॉक्टर्स की टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने इस काम के लिए जल्दी से ऑक्सीजन की सुविधा हो, इसके लिए सारी डॉक्टर्स की टीम भी लगी है और मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर हमारे पलवल क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। होडल में कितनी क्षमता वाला है? होडल में कितनी क्षमता वाला है जी? होडल का जो प्लांट है वो इसके बाद में आया है, वो अलग एजेंसी से आया है, वो 1000 लीटर उसकी कैपेसिटी है। तो हमारा प्रयास ये है कि होडल के अस्पताल को तो वो सुविधा दे ही, उसके अलावा वो साथ के अंदर उसको उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग की कैपेसिटी के लिए भी प्रयासरत है कि वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर फिल होके बाकी जिले को भी मिलने लगे। डॉक्टर साहब, ये जो प्लांट यहाँ पर लगाया है, क्षमता क्या है और किस तरह से कार्य करेगा? जी, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया आपको कि 500 लीटर प्रति मिनट की इसकी कैपेसिटी है और 500 लीटर प्रति मिनट ये बनाएगा ऑक्सीजन को और वो बेड टू बेड सारी जगह पहुंचाने की इसकी क्षमता रहेगी। 100 बेड का ये अस्पताल है और आने वाले समय को देखते हुए कि ये बेड बढ़ भी सकते हैं, 200 हो तो उसी हिसाब से कैपेसिटी को देखते हुए इस अस्पताल के हर बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाई गई है, चाहे वो ICU हो, चाहे नियोनेटल ICU हो, चाहे पीडियाट्रिक ICU हो, गायनी वार्ड हो, डेंगू वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, ऑर्थो वार्ड हो, सभी जगह तक पहुंचने की कोशिश की गई है ऑक्सीजन पहुंचाने की। और ऑक्सीजन की कमी से किसी को कहीं रेफर ना किया जाए, यही हम लोगों का प्रयास रहे। सर, हेडक्वार्टर पे 500 लीटर का बनाया और उपमंडल दूसरे अस्पतालों को
क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग का है, वहाँ का होडल का हम प्रयास में है कि वहाँ से उसको बना के पैक करने की कैपेसिटी हो पाए, वो संभव, और वो जो संभव वहीं हो पाता है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो। ये अस्पताल बहुत भीड़ वाला अस्पताल है। मैं जब सेकंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत रही थी, उसको देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए भी थे और हमने अपनी तरफ से यह भी आग्रह किया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना रहे, तो हमारे पलवल के लिए होडल के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनने मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आज यहाँ पर जो ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट हमारा जो है चालू यहाँ पर हो गया है और इससे ये एक मिनट के अंदर 500 लीटर ऑक्सीजन बनाएगा फ्रेश एयर से और यहाँ पर 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोर की भी व्यवस्था है और हमारे अस्पताल के जितने भी बेड हैं सब सीधे पाइपलाइन से ऑक्सीजन से जोड़ दिए गए हैं और अब इससे हमारे इस पलवल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के किसी भी हमारे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसमें हमारे पीएम केयर्स की तरफ से भी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी और नेशनल हाईवे वालों की तरफ से भी तीनों की तरफ से इसके सहयोग से ये बहुत ही युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू होकर के यह शुरुआत हुई है। ये हमारे पलवल के लिए एक बड़ी सौगात है, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ और मैं डॉक्टर्स की टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने इस काम के लिए जल्दी से ऑक्सीजन की सुविधा हो इसके लिए सारी डॉक्टर्स की टीम भी लगी है और मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर हमारे पलवल क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।